नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना है तो आप उसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी फीस कितनी होगी, किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा, कौन से पोर्टल से हमें इसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी बातें आज हम आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको भी पता चले कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमें ट्रेडमार्क अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बनेगी। इसके लिए आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, indiafile.com पे आएंगे और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर लिस्ट दे रखी है। बताया है कि अगर आप एक इंडिविजुअल होगे तो आपके पास अगर कॉपी ऑफ लोगो है तो आपको कॉपी ऑफ लोगो की जरूरत होगी, और अगर आपके पास लोगो नहीं और नाम से आप करना चाहते हैं तो सिंपल आप नाम से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फॉर्म 40N ड्यूली साइन होना चाहिए, जिसके थ्रू सरकार ये समझ जाएगी कि आप किसी को अपने बिहाफ से अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। दूसरा, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए इंडिविजुअल का, और दूसरा आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम ट्रेडमार्क की फीस की बात करें तो ट्रेडमार्क की जो फीस होती है वो 4500 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक होती है। और अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले कॉपी ऑफ लोगो चाहिए होगा, फॉर्म 48 चाहिए होगा, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और पार्टनरशिप डीड होगा, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ सिग्नेटरी होंगे और एड्रेस प्रूफ ऑफ सिग्नेटरी, ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट बनेगी। अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जीएसटी होना चाहिए। अगर आपके पास जीएसटी नहीं होगा तो आप ट्रेडमार्क स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले जीएसटी बनवाना है और उसके बाद ट्रेडमार्क प्रोसेस को फॉलो करना है। इसके बाद जब ये सारे काम आपके हो जाए तो अब आपको चेक करना है कि आप जिस नाम से ट्रेडमार्क लेना चाहते हो क्या वो नाम ऑलरेडी किसी ने ले तो नहीं रखा। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल गूगल पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे चेक ट्रेडमार्क स्टेटस बाय नेम, और सिंपल आपको पहली वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम होगा ipindia.gov.in। आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको एक नया पेज ओपन करेगा जिसमें आपको वाटरमार्क के अंदर यहाँ पर कंटेंट लेना है, आपको जो भी नाम होगा वो नाम सिलेक्ट करना है, क्लास सिलेक्ट करनी है और सिंपल सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे ये आपने आप ऑटोमेटिक एक नई विंडो ओपन करेगा, और अगर ये नेम जो आप लेना चाहते हैं किसी और ने ऑलरेडी अवेल कर रखा होगा तो यहाँ पर उनकी लिस्ट आ जाएगी। हमारे केस में हम जो भी ट्रेडमार्क अप्लाई करना जा रहे हैं वो किसी और ने नहीं ले रखा, तो यहाँ पर ये ब्लैंक आ गया। इसके बाद जब आपको पता चल जाए कि जो आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वो किसी और ने नहीं ले रखा, तो इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, अपने पास एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट रखनी है जिसके अंदर आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। जब ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो तो उसके बाद आपको एक नोटपैड की फाइल बनानी है और उसमें आपको अपनी बेसिक चीजों को फिलअप करके रख देना है। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करें, इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप गूगल क्रोम से रजिस्ट्रेशन करते हैं ट्रेडमार्क का तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जो भी अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करें वो इंटरनेट एक्सप्लोरर से करें। उसके बाद आपको सिंपल आना है इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, लिखना है आईपी लॉगिन। जैसे ही आप आईपी लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन होगी जिस पर लिखा होगा ipindiaonline.gov.in। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आपसे पूछेगा लॉगिन आईडी, अगर आपके पास होगी तो आप डाल देंगे, और अगर आपके पास नहीं होगी तो सिंपल आपको न्यू यूजर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक और मैसेज आएगा, स्टेप टू रजिस्टर फॉर ई फाइलिंग। आपको सिंपल प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ पर एक और नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेंट टाइप, आप प्रोपराइटर हो तो आप यहाँ से प्रोपराइटर ले लोगे। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई कोड है, अगर आपने पहले कभी अप्लाई कर रखा होगा तो वो कोड आप यहाँ डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल क्या करेंगे, सर्च बटन पे जाएंगे। जैसे आप सर्च बटन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे आपके प्रोपराइटर का नेम पूछेगा, तो जो भी आपके प्रोपराइटर का नेम होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे, और उसके बाद आपको सिंपल सबमिट बटन पर क्लिक करना। और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे ये चेक करेगा अपने रिकॉर्ड में, अगर वो नेम होगा तो आपके सामने आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एक मैसेज देगा नो रिकॉर्ड फाउंड। उसके बाद आपको सिंपल एड न्यू पर जाना है। जैसे ही आप एड न्यू पर जाएंगे आपसे आप पूछेगा कि आप कौन हो, तो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। जैसे अगर आप सिंगल फर्म हो तो आप सिंगल फर्म ले लोगे, अगर आप पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप ले लोगे, अगर ज्वाइंट फर्म है तो ज्वाइंट लिख देंगे, और अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको सिंपल अदर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका नेशनल क्या है, आपकी सर्विस एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ट्रेड डिस्क्रिप्शन और लीगल स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपल सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे अब आपके पास एक कोड आ जाएगा जिस पर लिखा होगा योर प्रोप्राइटर कोड। बस आपको इस कोड को अपने पास कॉपी करके रख लेना है, और सिंपल उसके बाद अगेन आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक कहाँ पर ले गया, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। अब ऑटोमेटिक यहाँ पर कोड आ जाएगा और सिंपल आपको अब प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका प्रोपराइटर कोड आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, और उसके बाद आपको सिंपल एड डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करना है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं आप सभी के पास डीएससी होना चाहिए, अगर आपके पास डीएससी नहीं होगा तो आप ट्रेडमार्क को अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपनी डीएससी को बनवाना है, और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आपको सिंपल यस बटन पर क्लिक करना है, तो जो भी नाम होगा वो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, और अब आपसे यहाँ पर आपकी आईडी मांग रहा है कि आप किस नाम से आईडी बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर उस नाम को टाइप कर दिया कि सर हम इस नाम से आईडी चाहते हैं। उसके बाद ये चेक पर क्लिक करेगा, अगर आपके पास आईडी अवेलेबल होगी तो आपके सामने लिख के आ जाएगा योर नेम इज अवेलेबल। आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद आपसे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, तो जो भी आपको पासवर्ड रखना है आप यहाँ से अपना वो पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आपसे री पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपना यहाँ पर री पासवर्ड डाल दें। उसके बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, उसके बाद जो भी आपका कैप्चर कोड होगा यहाँ से अपना कैप्चर कोड टाइप कर देंगे, और उसके बाद आपको सिंपल रजिस्टर पर क्लिक करना। और जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आएगा, योर यूजर नेम हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, द डिटेल ऑफ द यूजर अकाउंट विल बी ईमेल्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फॉर फर्दर रिकॉर्ड। आपको सिंपल ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करोगे अब आपको देखो आईडी बन चुकी है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर अपना यूजर नेम लिखना है, तो जो भी आपका यूजर नेम होगा यहाँ पर आप वो यूजर नेम टाइप कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना है, तो जो भी आपका पासवर्ड होगा वो टाइप कर देंगे। उसके बाद कैप्चर कोड और सिंपल आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे ऊपर आपका नाम मिलेगा, प्रोपराइटर कोड मिलेगा, और आपको आप क्या करना है न्यू फॉर्म फाइलिंग पे जाना है। उसके बाद फाइल टीएम पर क्लिक करना है, जो आपको बताएगा ट्रेडमार्क एक्ट 1990। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन हो, मैंने कहा इंडिविजुअल हूँ तो मैंने इंडिविजुअल पर क्लिक किया, और उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है आर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, मैंने कहा यस मैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है, तो इस पर क्लिक किया, और उसके बाद ये हमसे क्लास पूछ रहा है, तो जो भी आपकी क्लास होगी आप यहाँ पर क्लास डाल देंगे। देखिए सरकार ने हर एक बिजनेस को एक क्लास के अंदर डिफाइन कर रखा है, जैसे अगर आप कोई गारमेंट का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको क्लास 25 दे रखी है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, कंप्यूटर सर्विस देने का काम करते हैं, तो उसके लिए क्लास सरकार 42 दे रखे। अगर आपको भी अपनी क्लास पता करनी है तो उसके लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल के बाद देखना है ट्रेडमार्क क्लास, उसमें सबसे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने हर चीज की क्लास बनी होगी, आपको अपनी कैटेगरी को सर्च करना है और जो भी क्लास के अंदर आएंगे आप यहाँ पर वो क्लास टाइप कर देंगे। हमारे केस में जो क्लास है वो 25 है, तो हमने यहाँ से 25 ले लिया, और उसके बाद सिंपल हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा टेम्परेरी नंबर आ गया, साथ साथ मेरी क्लास आ गई,
उसके बाद मैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर हूं, तो मैंने यहाँ से सोल प्रोप्राइटर ले लिया। उसके बाद आपका कोड, आपका नाम, आप कब अपडेट है, साथ साथ आपको अगर कोई भी चेंज करना है तो आप सिंपल एड बटन पर जाकर यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो हमेशा नील आता है, तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी आपका स्टेट होगा वो आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, हमने कहा ईस्ट दिल्ली में आते हैं तो हम यहाँ से ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका लीगल स्टेटस होगा आप यहाँ पर वो लीगल स्टेटस टाइप कर देंगे। हमारे केस में हम इंडिविजुअल हैं तो हम इंडिविजुअल ले लेंगे। उसके बाद सिंपल हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा हो जाएगा अपडेट। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस दिख जाएगा जिसे आप सर्विस एड्रेस के नाम से डालोगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ट्रेडमार्क कैटेगरी, तो आप यहाँ से अपनी ट्रेडमार्क कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आपका वर्ड है, कलर, मैंने कहा मेरा वर्ड है तो मैं यहाँ से वर्ड टाइप कर दूंगा। उसके बाद ट्रेडमार्क का क्या नाम रखना है, तो जो भी आपका ट्रेडमार्क का नेम होगा आप यहाँ पर वो टाइप कर देंगे। हमारे केस में एक्सपेंड है तो हमने यहाँ पर एक्सपेंड टाइप कर दिया और एंटर मार के हम नीचे आ गए। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई कंडीशन है या लिमिटेशन है तो आप यहाँ वो मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी क्लास 25 और आपको अपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है। और आप सभी के लिए मैंडेटरी है, अगर आप यहाँ पर अपनी गुड्स की डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो हो सकता है जो आपका ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्शन के अंदर चला जाए और फिर आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी गुड्स की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपसे क्लिक करेंगे पूछेगा ऐड क्लास, मैंने कहा यस करनी है तो आप इसे यस कर देंगे। और जैसे ही आप यस करेंगे अब यहाँ पर आपको क्या टाइप करनी है, अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। मैंने यहाँ से अपनी क्लास टाइप कर दी और उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, अपडेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अपडेट बटन पर क्लिक किया तो मेरी क्लास की जो डिस्क्रिप्शन थी वो अपडेट हो गई। उसके बाद आपको नीचे आना है, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक होगा जिसका नाम होगा स्टेटमेंट एज टू बी यूज फॉर मार्क, कि आप जो ट्रेडमार्क यूज करना चाहते हैं या आप जो ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं उसे आप अभी से यूज करना चाहते हो या बैक डेट से करना चाहते हैं। अगर आपको बैक डेट से क्लिक करना है तो आपको सेकंड वाले टॉपिक पर क्लिक करना है और जो भी आपकी डेट होगी वो डाल देंगे। इसके लिए आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, साथ साथ आपके पास कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो उस डेट को आइडेंटिफाई कर सकता हो, कोई आपका सोशल साइट पर कोई पिक्चर डली हो, तो वो सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी। हमारे केस में हम इसे अभी से यूज करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे प्रपोज टू बी यूज और सिंपल हम नीचे आ जाएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मैंने इसे सेव कर दिया, ये मेरा सेव हो जाएगा। जब ये आपका सेव हो जाएगा तो अगर आपको कोई अटैचमेंट इसमें अटैच करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अटैचमेंट डॉक्यूमेंट पे जाओगे। जैसे आप इस पे जाओगे यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आएंगे। हमें अभी अदर में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जिसमें सबसे पहले हम क्या अपलोड करेंगे, अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड होगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया, बस आपको सिंपल अपलोड पर क्लिक करना है, ये आपका आधार कार्ड अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, तो मैं यहाँ से अपना पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ, ये मेरा पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो मैंने यहाँ से अपना जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया और सिंपल आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आपको सिंपल डन बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप डन बटन पर क्लिक करोगे आपके यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल नीचे आना है। अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप सिंपल प्रीव्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे ये आपका एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पर क्रॉस इस फाइल को चेक करना है हर एक चीज को। जब लगे आपकी सारी चीज कंफर्म हो गई है उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको डिजिटल साइन एंड सबमिट पर आना है। जैसे ही आप डिजिटल साइन एंड सबमिट पर आओगे तो यहाँ पर लिखा होगा साइन योर एप्लीकेशन, आपको सिंपल सिलेक्ट टू साइन पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से प्रीव्यू के लिए अगेन दिखाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिक टू साइन पर जाएंगे। जैसे आप क्लिक टू साइन पर जाएंगे आपके डिजिटल सिग्नेचर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, आप इसे यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे तो जो भी आपका डीएससी होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सिंपल ओके करना है, अगेन आपको यस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करोगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो जो भी आपका पासवर्ड होगा आप यहाँ से पासवर्ड टाइप कर देंगे और सिंपल ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट साइन हो जाएंगे। जैसे ही आपके सिग्नेचर साइन हो जाएंगे वैसे ही आपके सामने एक मैसेज आएगा, साइन डाटा सक्सेसफुली स्टोर ऑन द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। अगर आपको इसकी पेमेंट करनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट पे जाना होगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जो भी पेमेंट करें वो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से ना करें, वो आप गूगल क्रोम से करें। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, ये मेरा लॉग आउट हो गया। अब मुझे गूगल क्रोम पे खोलना है तो मैं यहाँ से अपनी गूगल क्रोम को ओपन कर लूंगा।
तो जो भी मेरा यूजर नेम होगा, अगेन मैं अपना यूजर नेम टाइप कर दूंगा, अपना पासवर्ड टाइप कर दूंगा, और उसके बाद जो भी हमारा कैप्चर कोड होगा, यहाँ से अपना कैप्चर कोड टाइप करके सिंपल लॉगिन बटन पर क्लिक करूंगा, ये अगेन लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट पे आना है, आपको मिलेगा पेमेंट पे आना है, पेमेंट के बाद आपको मेक पेमेंट पे जाना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी वो एप्लीकेशन आ जाएगी और साथ साथ जो भी फीस होगी वो ऑटोमेटिक उठ के आ जाएगी। सिंपल आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे जाना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म सिलेक्ट फॉर द पेमेंट आ जाएगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, उसके बाद आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना और सिंपल आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे, अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा भारत कोष, आपको सिंपल नीचे आना है, अगेन आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। आपका जो भी बैंक होगा आप यहाँ से अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, और अगेन यहाँ से भी आपको अपना एक बार बैंक को अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा HDFC बैंक लिमिटेड है तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारा कैप्चर कोड होगा, यहाँ से अपना कैप्चर कोड टाइप कर देंगे, और उसके बाद सिंपली हमें नीचे आई एग्री बटन पर क्लिक करना और नाउ पे पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे, ये आपकी बैंक की साइट पर ले जाएगा, जो भी आपने बैंक सिलेक्ट करा होगा ये आपकी बैंक की साइट पे आ जाएगा, और यहाँ से आपको अपनी पेमेंट कर देनी है। देखिए मैंने एक पेमेंट कर दी, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपके पास एक पेमेंट रिसीव आ जाएगी, जिसमें आप यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगी, आपकी क्लास मिल जाएगा, आपका पार्टी कोड मिल जाएगा, और कितना अमाउंट आपने पे किया है आप यहाँ से वो निकाल सकते हैं। अगर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है तो आप सिंपल प्रिंट पर क्लिक करें। सबसे पहले आप इसे सेव एज अ PDF में क्लिक कर दें, या आपका सेव एज अ PDF हो जाएगा, और सिंपल आप इसे डेस्कटॉप पर सेव कर दें। ये मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया, इसमें मेरा सेव हो गया। और उसके बाद जब भी सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए, और अगर आपको ट्रेडमार्क चेक करना है कि मेरा अभी कहाँ तक स्टेटस पहुंचा, तो इसके लिए आपको सिंपल एक नए टैब को ओपन करना है और सिंपल आपको लिखना है चेक ट्रेडमार्क स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ से मिलेगा ई रजिस्टर मेन पेज, आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे जाना है, नेशनल पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपकी एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, तो जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा यहाँ पर वो टाइप कर देंगे आप। यहाँ से मैंने अपनी एप्लीकेशन नंबर टाइप कर दिया, साथ में कैप्चर कोड, उसके बाद आपको सिंपल व्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको मिलेगा ट्रेडमार्क, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन उठ के आ जाएगी जो आपने पे करी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक मैसेज मिलेगा स्टेटस के रूप में, फॉर्मेलिटी चेक, इसका मतलब जो भी आपकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन थी वो डिपार्टमेंट ने चेक कर ली, और इसके बाद ये अब ट्रेडमार्क अथॉरिटी के पास जाएगा, वो इसे चेक करेंगे, और अगर ये ट्रेडमार्क किसी और के पास नहीं होगा तो विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर ये आपको ट्रेडमार्क अलॉट कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपना ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, जिसके अंदर आज हमने कि आप ट्रेडमार्क किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसकी पेमेंट कैसे की जाएगी, ट्रेडमार्क को चेक कैसे कर सकते हैं, सारी बातें आज के सेशन में हमने आपके साथ कवर करी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी